सिंपली यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप से यहाँ पे ऑटो लिरिक्स जनरेट किया हुआ, लाइक उस टाइप से आप वन क्लिक के अंदर यहाँ पे अपने ऑटो लिरिक्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आप सबको यहाँ पे वन क्लिक के अंदर आप सबको कोई यहाँ पे लिरिक्स वीडियो लिखना नहीं पड़ेगा। जो लिखते थे आप लोग यहाँ पे लिरिक्स वीडियो जो टेक्स्ट की मदद से जो लिखते थे, वो आप सब यहाँ पे अपने लिरिक्स को ऑटो जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे अपने यहाँ पे एक स्टाइल फॉन्ट के साथ आप इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली चलते हैं डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्रिएटिंग करने के लिए आप सबको कोई भी एक वीपीएन को आप सबको इंस्टॉल करना, लाइक इंस्टॉल करने के बाद वीपीएन को ओपन करना, लाइक वीपीएन को ओपन करने के बाद आप सबको वीपीएन को कनेक्ट करा लेना है। कनेक्ट हो जाने के बाद आप सबको कैपकट को ओपन करना है। कैपकट को ओपन करने के बाद कैपकट का एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलने को दिखेगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, लाइक आप सबको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। लाइक न्यू प्रोजेक्ट पर टैप हो जाने के बाद अपने उस वाले वीडियो को ऐड करना जो आप लिरिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं अपने उस वाले वीडियो को ऐड करता हूँ। लाइक वीडियो को ऐड हो जाने के बाद ऐड पर टैप कर देना है। ऐड पर टैप हो जाने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से दिखने को मिलेगा। उसके बाद आप सब यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे कोई यहाँ पे लिरिक्स वीडियो नहीं है। तो मैं आप सबको सामने में यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, कोई मेरे यहाँ पे वीडियो में लिरिक्स नहीं चल रहा है। मैं इस वीडियो की मदद से यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से इस लिरिक्स को हम लोग स्टेटस में यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, लिरिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक लिरिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको इतना हो जाने के बाद आप सबको लास्ट पार्ट पे आना है। इसका वाटर मार्क मिलेगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करके आप सबको इसको डिलीट करना है। डिलीट हो जाने के बाद आप सबको अपने फर्स्ट लेंथ में आना है। फर्स्ट लेंथ में आने के बाद जो फालतू पार्ट रहेगा वो आप सब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने फालतू पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कुछ स्टेप से स्प्लिट पर टैप करना है, उसके बाद इसको डिलीट कर लेना है। तो डिलीट हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, अपने वीडियो के लेयर पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिख जाएगा। तो लाइक आप सबको वीडियो को एक्सट्रैक्ट करना, ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली करने के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो सिंपली आप सबको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। लाइक आप सबको अपने म्यूजिक को ऐड करना चाहते हो, जो भी आप अपने वीडियो में म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, तो लाइक यहाँ पे साउंड पर टैप करना है। साउंड पर टैप करने के बाद एक यहाँ पे माई फाइल का ऑप्शन दिखेगा, फाइल का लाइक आप सबको फाइल पर टैप करना, फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना है। जितना आपके गैलरी में म्यूजिक रहेगा वो सारे यहाँ पे, जितना फोन में रहेगा वो सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। लाइक आप सब इसको आसानी से यूज पर टैप करना, प्लस पर टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे पहले से वीडियो था तो मैं अपने यहाँ पे पहले को रहने देता हूँ। उसके बाद ये म्यूजिक को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे सिंपली बैक आना, यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो लाइक आप सबको इसको कट करके यहाँ पे कट करना, कट करने के बाद बैक आना। बैक आने के बाद आप सबको यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, लाइक आप सबको टेक्स्ट पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन फिर से खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप सबको यहाँ पे देख सकते हो ऑटो लिरिक्स का एक ऑप्शन दिखेगा। तो लाइक आप सबको यहाँ पे ऑटो कैप्शन पर टैप करने के बाद ये सिर्फ कैप्शन डलेगा, तो आप सबको यहाँ पे ऑटो लिरिक्स पर क्लिक करना है। लाइक ऑटो लिरिक्स पर क्लिक करने के बाद ऑडियो या फ्रॉम वीडियोस कोई भी सिलेक्ट करके आप इसको स्टार्ट पर टैप करना है। लाइक स्टार्ट पर टैप करने के बाद आप सबको कुछ सेकंड वेट करना है यहाँ पे। तो देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे पूरी तरह से यहाँ पे लिरिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे लिरिक्स भी चल रहा है। तो लाइक इस टाइप से अपने लिरिक्स को ऐड कर सकते हो। तो इस लिरिक्स को हम लोग स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे एक प्रोफेशनल टैप से। तो लाइक आप सबको स्टाइल पर अपने यहाँ पे लिरिक्स पर टैप करना है। तो लिरिक्स पर टैप करने के बाद यहाँ पे स्टाइल पर क्लिक कर देना है। लाइक स्टाइल पर क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉन्ट पर भी टैप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे फॉन्ट पर टैप करना है। फॉन्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा। लाइक आप सब यहाँ पे अपने ऐड भी फॉन्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ फट से। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे आप सबको फॉन्ट मिल जाएंगे। तो मैं अपने फॉन्ट को ऐड करके यहाँ पे स्टाइल पर टैप करना है। स्टाइल पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी आप कलर को ऐड करना चाहते हो, लाइक वो आप यहाँ पे अपने कलर को ऐड कर सकते हो। इफेक्ट पे टैप करना, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे ग्लोइंग इफेक्ट, लाइक आप सब इसको भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एनिमेशन पे टैप करना, एनिमेशन पे टैप करने के बाद आप यहाँ पे अपने सारे यहाँ पे एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। कुछ इस टाइप से जो भी एनिमेशन चाहिए वो आप यहाँ पे एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्लाइड डाउन सेलेक्ट करके राइट पर टैप कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्लाइड डाउन यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद फिर से आना है दूसरे लिरिक्स में। लाइक दूसरा लिरिक्स में आने के बाद फिर से स्टाइल पर टैप करना। स्टाइल पर टैप करने के बाद आप सबको जो भी अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे फॉन्ट ऐड कर लेना फिर से दोबारा। तो यहाँ पे मैं अपने फिर से उसी फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल पर टैप कर देना है। लाइक आप सबको कलर भी ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे अपने कलर भी ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो भी आप सबको कलर ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप सबको यहाँ पे अपने लिरिक्स में ऐड करना चाहते हैं, लाइक वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आप सब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बबल पर टैप करना। बबल पर टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे आप सबको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ इस टाइप से
सो हो जाएगा। उसके बाद एनिमेशन पर टैप करना, लाइक एनिमेशन पर टैप करने के बाद जो आप सबको अच्छा लगेगा फिर सिंपली वो आप सबको ऐड करना है। लाइक ऐड हो जाने के बाद आप सबको ऊपर पे यहाँ पे रेड का ऑप्शन दिख जाएगा, लाइक आप सबको यहाँ पे रेड पर टैप कर देना है। तो लाइक रेड पर टैप हो जाने के बाद देख सकते हो पूरी तरह से मेरे यहाँ पे एनिमेशन जनरेट भी हो चुका है। तो सिंपली इस टैप से अपने सारे यहाँ पे वीडियो में सारे यहाँ पे लिरिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं देख सकते हो मैं पूरी तरह से मैं यहाँ पे सारे में यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ कुछ इस टैप से। तो मेरे यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लिरिक्स चल रहा है। तो इस टैप से वन क्लिक के अंदर आप यहाँ पे अपने सारे यहाँ पे लिरिक्स को एडजस्ट कर लेना। उसके बाद इस लिरिक्स को हाईलाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबको यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आप सबको बैक आना है। बैक आने के बाद एक ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, तो लाइक आप सबको बैक आना। बैक आने के बाद ओवरले पर टैप करना, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। ऐड ओवरले पर क्लिक करने के बाद एक वीडियो मिल जाएगा, तो सिंपली आप सबको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पर टैप कर देना। लाइक ऐड पर टैप हो जाने के बाद कुछ स्टेप से शो होगा। उसके बाद सिंपली इसको अपने वीडियो पर अप्लाई करके आप सबको यहाँ पे एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा या फिर एक ब्लेंड का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। लाइक आप सबको ब्लेंड पर टैप करके आप कोई भी यहाँ पे ओवरले स्लाइड लाइटन जो भी आप सबको ऐड करना चाहते हैं लाइक वो आप इसको ऐड कर सकते कुछ स्टेप से। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे सिंपली जो भी आप ऐड करना चाहते हो सिंपली वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन, एक यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा सा आप सबको कम करना है। यहाँ पे ओपेसिटी पे टैप करके थोड़ा सा आप सबको यहाँ पे ओपेसिटी को कम कर लेना है कुछ स्टेप से देख सकते हो। उसके बाद आप सबको यहाँ पे रेड पर टैप करने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे लिरिक्स यहाँ पे हाईलाइट में दिखने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो एक प्रोफेशनल टैप से लिरिक्स यहाँ पे दिखने लगेगा हाईलाइट में। यहाँ पे ऑटो जनरेट यहाँ पे कैप्शन लिरिक्स यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर पे एक्सपोर्ट पर टैप करना डाउनलोड के बटन पर। लाइक डाउनलोड पर बटन पर टैप करने के बाद इसको आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने गैलरी या अपने यहाँ पे डिवाइसेस में।